बरहाल पंचायत ने खुली छोड़ी नाली जिसमें गिरकर आज एक गाय की हुई मौत। गौवंश की ऐसी दुर्दशा देख लोगों में भारी आक्रोश। खबर करहल से है जहां करहल पंचायत ने कुछ समय पहले नाकी का निर्माण करवाया था मगर कई जगह उन्हें आज तक नहीं ढका गया जिसके चलते एक गाय उस नाले में गिरकर मौत का शिकार हो गई। गाय की ऐसी दुर्दशा पर लोगों में भारी आक्रोश था। लोग कह रहे थे कि तेज धूप में गौवंश आवारा सड़कों पर भूखे प्यासे फिरते रहते हैं। इन आवारा गौवंश के लिए एक गौशाला तक करहल में नहीं है। आखिरकार पंचायत इन गौवंश की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? वैसे आरओ गौवंश को लेकर सरकार बहुत गंभीर नजर आती है मगर असल में इनकी हालत करहल में तो बद से बदतर है। गाय को चारा पानी तक उपलब्ध नहीं है। भूखी गाय प्यासी अपना पेट भरने के लिए दिन भर इधर उधर भटकती रहती हैं। कचरे की पन्नी और दूषित पानी पीकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर शिवराम सिवरे ने भी इस मामले में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और स्थानीय प्रशासन की शिकायत सीएम हाउस करने की बात कही है। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये गाय खत्म हो गई है ये चौराहे पर, तो इसके मामले में क्या कहना है आपका? नालियाँ खुली पड़ी हैं, नालियाँ बंद नहीं करवाते हैं पंचायत वालों को, कोई देख रेख भी नहीं है। अच्छा, मवेशी आती है और इसी में गिर जाती है, मर जाती है, रात को कोई देखने वाला है, बस आवारा मवेशी घूमती रहती हैं, मरती रहती हैं ऐसी वाला हो तो वो उसकी देख रेख बनी रहे उसमें। और गौ वंश जो वैसे ही डर मारा मारा भूखा प्यासा, उसमें उसकी कम से कम व्यवस्था तो हो जाए, इतना तो शासन कर सकती है ना। आज जो गाय मरी है नाले में फंस के, ये पंचायत की ही लापरवाही है क्योंकि जो नालियाँ बनाई गई थी कुछ वर्ष पहले उन्हें आज तक ढका नहीं गया जिसके चलते आज गाय उसमें फंस गई और वो मर गई। नहीं, अगर ये ग्राम पंचायत की ये गलती है तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की अगर कहीं भी नालियाँ हैं तो उनको ढकने का काम किया जाए जिससे भी किसी पशु की या किसी अन्य भाई कोई व्यक्ति भी वाहन से लेकर के उसमें गिर सकता है, कभी भी ये दुर्घटना हो सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि इस तरह की समस्याएं ना हो और उनका ढकान किया जाए। गाय के नाम पर बात करने वाली पूरी सरकार है आपकी और यहाँ देखते हैं कि करहल में गाय तो भूखी प्यासी सड़कों पर घूम रही हैं, आवारा गाय जो है जिनका कोई मालिक नहीं है, तो क्या कर रहे हैं प्रशासन, क्या कर रहा है इनके लिए? गाय के नाम पर हम राजनीति नहीं करते हैं, हम गाय को गौ माता मानते हैं। हमारा हर बार यही कहना है कि हमारी शासन यानी माननीय मोदी तक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के वो बहुत चिंतनशील हैं और इस विषय पर उन्होंने ये बहुत कहा है कि गौ हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है, इसी प्रकार से हमको उनका ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रकार से उनको कोई समस्या ना हो खाने पीने की, चारा चरने की, पानी पीने की, अगर ऐसा है तो ग्राम पंचायत को जगह जगह होदी बनाना चाहिए जिससे कि हमारा मवेशी ठीक से पानी पी सकें और चारे का भी प्रबंध करने का शासन का और प्रशासन का सहयोग मिलता रहता है। लेकिन अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो मैं सख्त लहजे में कहना चाहता हूं कि प्रशासन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारी गौ माता को कोई भी समस्या आती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। डॉक्टर साहब, बात अगर आप पानी पीने की कर रहे हैं तो गौवंश तो नालियों का पानी पी रही है, पंचायत द्वारा या प्रशासन की तरफ से तो कोई ऐसी पानी की कोई व्यवस्था की नहीं गई है उनके लिए गर्मी में? नहीं, अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत प्रचंड है, तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दें कि उनको चारे की व्यवस्था और गौशाला, एक कराल में गौशाला होना बहुत ज़रूरी है जो अभी तक नहीं बनी है, वो भी प्रशासन की कमी से है। और गौशाला होती तो चारा भी मिलता, पानी पीने को मिलता, या गौ माता को लेकर के जो आपने अभी हमको अवगत कराया है तो इस मुद्दे को हम ऊपर तक ले जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं कार्यालय को फोन लगा करके मैं अवगत करवाऊंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर ये कार्रवाई की जाएगी।